जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास का। तरफ तकरारों का शोर, मोहल्ले नफरत के हर ओर, हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर। तो ये जो दिल्ली के बारे में खबर है कि यहाँ हवा में जहर है, ये गैस चैम्बर बन गया है, यहाँ जी नहीं पा रहे हैं, आज तक के साहित्य महोत्सव में सामने बैठे हुए हजारों हजार युवा ये कहना चाहते हैं हिंदी की कविता की ओर से कि हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। अगली पंक्ति पर बताना, पूरा भारत देख रहा है आपको, पूरी दुनिया देख रही है। हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हवा में जहर भरा है सियासत ने, राजनीति ने, और हवा में मोहब्बत घोलने का काम करती है कविता। मुझे खुशी है कि मैं मोहब्बत के पाले में हूं और मोहब्बत के प्यारे बेटे बेटियों के सामने खड़ा हुआ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप। हमारे आज तक के तमाम पत्रकार सुप्रिय जी और तमाम लोगों के कैमरे इस प्रतीक्षा में है कि अगले एक घंटे में मैं कोई ऐसी बात बोलूं जिसे चलाया जा सके, फिर फिसली कुमार की जबान। तो मैं उन्हें पूरा अवसर दूंगा कि इसमें से वो कुछ काट के अलग से चला सके। लेकिन जो हजारों लोग यहां पर आए, मैंने मतलब ये कमाल हो गया है साहित्य आज तक। मुझे नहीं लगता कि एशिया में इस समय कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अदबी दुनिया की इतनी बड़ी लोग और इतनी सारी जनता यहां पर आती हो। एक बार आज तक के इस प्रयास के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाया, इसके लिए मुझे धन्यवाद दीजिए। मैं बिना पेमेंट के इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। कि हमें बेहोश कर साकी पिला भी कुछ नहीं हमको, पिछली साल में और इस साल में क्या बदला। हमें बेहोश कर साकी पिला भी कुछ नहीं हमको, करम भी कुछ नहीं हमको, सिला भी कुछ नहीं हमको। मोहब्बत ने दिया है सब, प्यार की वजह से बने और कुछ लोगों के प्यार में मारे गए। मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब। अब हाथ तैयार रखना। मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब, मिला भी कुछ नहीं हमको, गिला भी कुछ नहीं हमको, मिला भी कुछ नहीं हमको, गिला भी कुछ नहीं हमको, मिला भी कुछ नहीं हमको। चार लाइनें और सुनिएगा, दिल्ली वाले बैठे हैं, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। चार लाइनें सुनिएगा, ये समझ जाएंगे, इनकी वाह बता देगी। पहली पंक्ति में बताना कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। बताओ जरा। लेकिन अगली लाइन पढ़ रहा हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी, साहित्य महोत्सव चलता रहेगा, जब तक जान है तब तक गाता रहूंगा। राजनीति 5 साल 15 साल, कविता 1000 2000 साल, तब लाइन पढ़ रहा हूं सुनेगा। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। अगली पंक्ति पर बताना मेरे साथ हो तो, कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। यकीनन कल है मेरा आज, बेशक आज उस पर है। यकीनन कल है मेरा आज, बेशक आज उस पर है।
अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, झगड़ा क्या था। उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा। अभी जब इतना शोर है तो अगली पंक्ति पर तो उछल जाएगा ये पंडाल। उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है। मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है। मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। वाह करो, स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है न पान। हालांकि वो भी जीएसटी के मारे हुए हैं। अभी जहाज में मिल गए थे तो कह रहे थे बता बता गौमूत्र पे लगा दी। अरे मैंने कहा गौमूत्र छोड़ो, हमारी कविताओं पे लग गई भाई। कि न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में। हाथ खोलकर सुनना। अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। चार पंक्तियां और सुनेगा। कि तुम ही पे मरता है ये दिल अदावत क्यों नहीं करता। तुम ही पे मरता है ये दिल अदावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है बगावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है बगावत क्यों नहीं करता। कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से। कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से। मेरी तारीफ करता है मोहब्बत क्यों नहीं करता। मेरी तारीफ करता है मोहब्बत क्यों नहीं करता। मेरी तारीफ करता है मोहब्बत क्यों नहीं करता। अच्छा देखो ये मैं नया नया सुना रहा हूँ। मुझसे पूछ रहे थे पीछे सोशल मीडिया आज तक की क्या सुनाएंगे, सब नया सुना रहा हूँ। लेकिन कुछ मुक्तक ऐसी हैं वो नहीं सुनाऊँ ना तो ये जाने भी नहीं देंगे आज तक वाले। तो मैं नहीं सुनाना चाहता पर ये सुनवाना चाहते हैं, इसलिए एक ही तरीका है, मैं कम गाऊंगा आप ज्यादा गाना। कि कोई दीवाना कहता ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, या तो सब चुप रहेंगे या सब गाएंगे। बताओ आज तक पे वादा करो आप सब लोग एक साथ गाओ। कि कोई दीवाना कोई मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है मेरा दिल समझता है। अब पता नहीं हर तरफ धुआं है कि महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास हैं। महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास हैं। खुद में जो जब्त हैं सभी मौसम उदास हैं। किस किस से पूछिएगा ये बेहल सवाल। अब आज तक सवाल पूछ रहा है कि पंजाब की वजह से, कि हरियाणा की वजह से, या जिसकी वजह से सब है उसकी वजह से है। किस किस से पूछिएगा महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास हैं। खुद में जो जब्त हैं सभी मौसम उदास हैं। किस किस से पूछिएगा ये बेहल सवाल। अब सभी उदास हैं या फकत हम उदास हैं।
के हजारों रात का जागा हूँ, सोना चाहता हूँ अब। वाह करो, जब तक करोगे नहीं मैं अगली लाइन सुनाऊंगा नहीं। हजारों रात का जागा हूँ, सोना चाहता हूँ अब। तुझे मिलके मैं ये पलकें भिगोना चाहता हूँ अब। तुझे मिलके मैं ये पलकें भिगोना चाहता हूँ अब। बहुत ढूंढा है तुझको खुद में, इतना थक गया हूँ मैं। हाथ खोलकर तैयार रहना। बहुत ढूंढा है तुझको खुद में, इतना थक गया हूँ मैं कि खुद को सौंप कर तुझको खोना चाहता हूँ मैं। कि खुद को सौंप कर तुझको खोना चाहता हूँ मैं। कि खुद को सौंप कर तुझको खोना चाहता हूँ मैं। अच्छा देखिए, 10-15 साल में ये तो हो गया, 10-15 साल में कि इतने सारे लोग आने लगे हिंदी की कविता की तरफ, हिंदी की वाचिक परंपरा की कविता की तरफ। लेकिन एक आरोप अब भी है कि कविता में गंभीरता कम है वाचिक परंपरा के लोगों में। इस मंच पर पहले भी वाचिक परंपरा के लोग बैठे थे, मैं घर से देख रहा था। मैं आज तक के साहित्य उत्सव में एक शुद्ध गीत सुना रहा हूं और दिल्ली और देश भर से आए हुए इन युवाओं के माध्यम से कविता के मानक समीक्षकों को ये निवेदन कर रहा हूं, चुनौती नहीं दे रहा, कि आपका हम पर आरोप गलत है। ऐसा नहीं है कि लोकप्रिय हो जाने की वजह से गुणवत्ताएं समाप्त हो गई हैं। आपकी दृष्टि के आकलन में शायद कोई दोष है। अगर उस तरह के लोग यहां पर बैठे हो तो वो आज देखें कि कविता सुनाई जा रही है और आप सिद्ध करें कि कविता सुनी जा रही है। एक ही शिकायत है उन सबसे कि न समझा किसी ने, न जाना किसी ने, न हमने बताया न माना किसी ने। मोहब्बत के ये कायदे भी अजब हैं, न खोना किसी ने न पाना किसी ने। एक गीत मैं आपको सुना रहा हूं। इस गीत में मैं जो है, क्या बात है, ये जिन लोगों को कुर्सी नहीं मिल पाई है मैं आपका दर्द समझता हूं। मैं आपके साथ हूं, आई लव यू ऑल ऑफ यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। और खास तौर पर जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था ओपन होते ही और बाद में उनकी कुर्सी कोई और ले गया, ये भी मैं दर्द समझता हूं आप। तो आप हिंदी के लिए लोग खड़े हैं, मैं क्या कर सकता हूं, इतने लोग खड़े हुए हैं। आज तक अगली बार शायद और ज्यादा तैयारी करें तो ज्यादा और लोग बैठ सकें। गीत सुनिएगा, इसमें जो मैं है वो मैं हर कवि का है, आपका और मेरा है। बस आपकी जिम्मेदारी है कि पंक्तियों पर आपकी वाह मिलती रहेगी तो दूरी बहुत ज्यादा है तो मुझे लगता रहेगा कि आप मेरे पास है। सुनिएगा, मैं निवेदन करता हूं कि मैं भाव सूची उन भावों की जो बिके सदा ही बिन तोले। इनका इनकी ध्वनि कम आए आपकी ज्यादा आए, है ना। कि मैं भाव सूची उन भावों की जो बिके सदा ही बिन तोले। अगली पंक्ति दिल के पास से गुजरे तो एकदम आपके मन से फूटे। कि मैं भाव सूची उन भावों की जो बिके सदा ही बिन तोले। तन्हाई हूं हर उस खत की जो पढ़ा गया है बिन खोले। बस ऐसे ही सुनना है कि तन्हाई हूं हर उस खत की जो पढ़ा गया है बिन खोले। हर आंसू को हर पत्थर तक पहुंचाने की लाचार हूक। हर आंसू को हर पत्थर तक पहुंचाने की लाचार हूक। मैं सहज अर्थ उन शब्दों का जो सुने गए हैं बिन बोले। मैं सहज अर्थ उन शब्दों का जो सुने गए हैं बिन बोले। अब इकट्ठा कर लेना इस प्रेम को और एक साथ मुझे सूचित करना। मैं सहज अर्थ उन शब्दों का जो सुने गए हैं बिन बोले। जो कभी नहीं बरसा खुलकर, जो कभी नहीं बरसा खुलकर, हर उस बादल का पानी हूँ। लव कुश की पीर बिना गाई,
सीता की राम कहानी हूँ कि मैं भाव सूची उन भावों की जो बिके सदा ही बिन तोले तन्हाई हूँ और उस खत की जो पढ़ा गया है बिन खोले हर आंसू को हर पत्थर तक पहुंचाने की लाचार हूँ मैं सहज शब्द मैं सहज अर्थ उन शब्दों का जो सुने गए हैं बिन बोले जो कभी नहीं बरसा खुलकर उतना ही प्यार देना जो कभी नहीं बरसा खुलकर हर उस बादल का पानी हूँ लव कुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी हूँ। हमने 15 साल 20 साल किन के लिए लिखा IIT IIM NIT इंजीनियरिंग कॉलेज में माँ बाप के नौवीं में छोड़े गए उन बच्चों की भावनाएं गाई जो कह नहीं पा रहे थे पीरियोडिक टेबल के चक्कर में अपना जज्बात अपने पड़ोस में रहने वाली दूसरी वैलेंसी को अगर ठीक कहा है तो मुझे बताना कि हमने क्या किया है इसका पारिश्रमिक देना मुझे निवेदन करता हूं कि जिनके सपनों के ताजमहल जिनके सपनों के ताजमहल बनने से पहले टूट गए जागो जरा जिनके सपनों के ताजमहल बनने से पहले टूट गए जिन हाथों में दो हाथ कभी आने से पहले छूट गए जिन हाथों में दो हाथ कभी आने से पहले छूट गए धरती पर जिनके खोने और पाने की अजब कहानी है हम जैसे लोग धरती पर जिनके खोने और पाने की अजब कहानी है किस्मत की देवी मान गई पर प्रणय देवता रूठ गए किस्मत की देवी मान गई पर प्रणय देवता रूठ गए दोनों हाथों को तालियों में तब्दील करना अगली लाइन पर मैं मैली चादर वाले उस बनारस तक मैं मैली चादर वाले उस कबीरा की अमृत बानी हूँ लव कुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी हूँ 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 चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ आपने मुझे पिछले 10 सालों में देखा है आज तक पर देखा है जिंदगी में देखा है सड़क पर देखा है संघर्ष करते हुए देखा है कवि क्या करता है जीवन में मैं सब लिखने पढ़ने वालों के लिए कह रहा हूं जो भी आज तक में 3 दिन आएंगे उनके लिए कि कुछ कहते हैं मैं सीखा हूं अपने जख्मों को खुद सीकर कुछ कहते हैं मैं सीखा हूं अपने जख्मों को खुद सीकर मैं देख रहा हूं सामने मेरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित बहुत लोग बैठे हैं उनकी स्वीकृति और आपकी तालियां और वाह एक साथ चाहता हूं कि कुछ कहते हैं तिवारी जी कुछ कहते हैं मैं सीखा हूं अपने जख्मों को खुद सीकर कुछ जान गए मैं हंसता हूं भीतर भीतर आंसू पीकर कुछ कहते हैं मैं सीखा हूं अपने जख्मों को खुद सीकर कुछ जान गए मैं हंसता हूं एक लाइन आ रही है मेरे अंदर की खुदरंग तबीयत की मेरे अंदर के पिलखवे की मेरे अंदर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लौंडे की इसको जरा तालियों से संभालना कि कुछ जान गए मैं हंसता हूं भीतर भीतर आंसू पीकर कुछ कहते हैं मैं हूं विरोध से उपजी एक खुद्दार विजय कुछ कहते हैं मैं हूं विरोध से उपजी एक खुद्दार विजय कुछ कहते हैं मैं रचता हूं खुद में मर कर खुद में जी कर कुछ कहते हैं मैं रचता हूं खुद में मर कर खुद में जी कर
इस लाइन का जो अर्थ समझ जाए केवल वो तालियां बजाए। अगली लाइन जो पढ़ रहा हूँ, कुछ कहते हैं मैं रचता हूँ खुद में मर कर खुद में जी कर, लेकिन मैं हर चतुराई की, आपकी तालियां चालाक शिरोमणि तक भी पहुंचे, लेकिन मैं हर चतुराई की सोची समझी नादानी हूं। लवकुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी, लवकुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी, लवकुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी। आप लोगों ने जिस तरह शुद्ध गीत को सुना है, मैं आपको सलाम करता हूं। एक बार अपने लिए दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए, क्या कौशल है, वाह। बाकी जो गीत लिखवाने के लिए कहते हैं कि साहब गीत लिख दीजिए, फिल्म में लिख दीजिए, कम लिखता हूं, साल में एक आध फिल्म आती है, उसका कारण है वो बहुत सरल होता है, लेकिन भाता वो अभी मैं आ रहा था, किसी ने मुझसे कहा था फिल्म भी सुना देना, मैंने कहा तो गाड़ी में लिख देंगे वो जो उड़ जाते हैं तेरी पलकों की छत से, वो कई ख्वाब मेरी आंखों में आ बैठे हैं। ऐसा ही तो करते हैं वो कुछ, कि वो जो उड़ जाते हैं तेरी पलकों की छत से, वो कई ख्वाब मेरी। अब इसी गीत को एक बड़ा सिंगर गा दे, एक बड़ा हीरो डांस कर दे, उसके बाद कहीं भी जाओ तो 100-150 लड़के हाथ यूं करते मिलेंगे आपको, यूं करते हुए कि वो जो उड़ जाते हैं तेरी पलकों की छत से, वो कई ख्वाब मेरी आंखों में आ बैठे। अब इसे बढ़ा लो, जैसे ऐसे करोगे, वो जो उड़ जाते हैं तेरी, अब सुनिएगा, के कथई रंग के हैं, कथई रंग डालो इसमें, हाँ आंख का डाला जाता है, मुझे मिली नहीं आज तक कथई आंखों वाली लड़की, पता नहीं जो भी मिली, अच्छा आजकल देख भी नहीं सकते कैसे आंखों वाली है, क्योंकि वो 5 सेकंड के बाद कानून आ जाता है बीच में कि 6 सेकंड घूर लिया आपने। के कथई रंग, सुनो 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 कविता सुनो, वाह करो, के कथई रंग के हैं उम्र की नाप के हैं, सब इबादत के नहीं थोड़े से पाप के हैं, तो वो जो मिल जाते हैं तेरे, बहुत सरल है ये लिखना, आप भी लिख सकते हो, वो जो मिल जा, अब देखो इसमें ऐसी चीज आएगी जिसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनका शब्द आते ही लड़के लड़कियों को लगा कुछ हो लिया, कि वो जो मिल जाते हैं तेरे होठों के खुलने से, इनको सिर्फ इतना समझ में आया, कि वो जो मिल जाते हैं तेरे होठों के खुलने से, वो कई ख्वाब मेरी आंखों में आ बैठे हैं, वो जो मिल जाते हैं तेरे होठों के खुलने से, वो कई बोल मेरी गजलों में आ बैठे। क्या चलो ये तो होता रहेगा, मैं आपको विशेष रूप से कविता सुनाता हूँ, ये मैंने आपको इसलिए सुनाई थी कि आप समझ सकें कि ये कुछ खास बात नहीं है। नई किताब मेरी आई है जिसका आज विमोचन होगा, फिर मेरी याद, और आपको मैं इस बात की शुभकामना देता हूँ, राजकमल प्रकाशन से आई है और इस बात की शुभकामना देता हूँ। मेरा किसी भाषा से विरोध नहीं है, अंग्रेजी बहुत अच्छी जबान है, सीखनी चाहिए, ज़रूर सीखनी चाहिए, आपको कहीं भी छोटी मोटी नौकरी पानी हो तो अंग्रेजी ज़रूर सीखनी चाहिए आपको, नहीं मतलब अगर नहीं आती है तो आपके प्रधानमंत्री बनने की संभावना ज्यादा बुखार हो जाते हैं, समझिए मेरा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे खुशी हुई, और इस पर आपकी तालियां शायद ज्यादा गूंजे, कि अरसे बाद, बहुत वक्त बाद, अमेजन पर जब किताब आई, प्री बुकिंग शुरू हुई, तो ऑल कैटेगरी, ऑल बुक्स, ऑल लैंग्वेज,
फिर मेरी याद नंबर वन बनी हुई है आज तक पिछले दो तीन महीने से। तो उसमें से मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। मैं ITBHU में जब IIT हो गया वहां परफॉर्म कर रहा था, ये 4-6 साल पहले की बात है। तो पीछे कुछ छात्राएं मुझे मिली और उन्होंने एक साथ इकट्ठे होकर मेरा रास्ता रोका, तो मैं बड़ा उसी ख्याल में कि अब बस अब सेल्फी शुरू होगी और अब ऑटोग्राफ शुरू होगा। तो उनमें एक लड़की ने मुझे कहा कि आप बहुत गलत करते हैं ये। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कर दिया। तो मैंने पूछा क्या गलत हो गया। तो बोले ये जो आप सारी कविताएं उस लड़की के लिए पढ़ते हैं, आपके पास तो स्टेज है, टीवी है, आप पढ़ देते हैं, वो बेचारी कहीं रहती होगी, उसको कैसा लगता होगा। तो जिंदगी में कभी कॉल करिए, उसे बताइए, बात करिए। तो मैंने आज तक की नहीं बात। नहीं, मैं भी इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं व्हाट्सएप दूसरों के चेक करवा सकूं कि कौन किससे बात कर रहा है। भगवान ना करे कभी उस पद पर पहुंचा तो भी नहीं करूंगा। तो मैंने एक गीत लिखा, एक नज्म लिखी कि अगर कभी मैं फोन करूं तो उसे कैसा लगेगा। आप सबको अच्छी लगेगी, आपने सुनी है कई बार, मनोज वाजपेयी जी और कई लोगों ने इसको गाया है, सुनाया है। मैं सुनाता हूं, सुनेगा, ये तहत में है, बिना गाए पड़ी जाती है तो आपकी वाह मिलती रहनी चाहिए। कि तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है, अजब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, अजब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में, दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी ही आहट पर। वो शेर है ना, कौन आया है यहां, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने बजाया होगा। तब कह रहा हूं कि अजब सी ऊब शामिल हो गई है, जो आगे सोफे पर बैठे हुए महत्वपूर्ण लोग हैं। मेरी बात हुई है निर्मला सीतारमन जी से, अगर आप भी वहां करेंगे 1% GST फालतू नहीं कटेगी आपकी, प्लीज आप ध्यान रखें। सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है बेचारों ने, मेहनत करके जिन्होंने सीट पाई है, जो पीछे बैठे हुए हैं। अजब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में, दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी ही आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लिपटे हैं चौखट पर, अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। अजब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में, दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी ही आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, तमन्ना फिर मचल कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे में, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा। अच्छा, अचानक उसका फोन आपके पास आ जाए या आप उसे फोन कर लें तो कैसा लगेगा। एक एक उपमा पर मैं आपकी वाह चाहता हूं, सुनेगा। कि सती का चौंतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, बिहार और पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के लोगों, अगली पंक्ति आपके लिए। कि सती का चौंतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, कि जैसे छठ के मौके पर जगह मिल जाए गाड़ी में। सती का चौंतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, उम्मीद ही नहीं हो उसे और मेरा फोन पहुंच जाए या मेरे पास उसका आ जाए तो क्या मतलब। आप वो छोड़िए, 11 Pro आ गया, नोकिया पर भी आ जाए तो मैं तो उसे भी सोने से मर दूंगा। कि सती का चौंतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, कि जैसे हर उपमा आपकी वाह खींचेगी। कि सती का चौंतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, कि जैसे छठ के मौके पर जगह मिल जाए गाड़ी में, मेरी आवाज से जागे तुम्हारे बामोदर जैसे, मेरी आवाज से जागे तुम्हारे बामोदर जैसे, ये नामुमकिन सी हसरत है, ख्याली है मगर जैसे, मेरी आवाज से जागे तुम्हारे बामोदर जैसे, ये नामुमकिन सी हसरत है, ख्याली है मगर जैसे, बड़ी नाकामियों के बाद हिम्मत की लहर जैसे। वाह चाहिए आपकी। बड़ी नाकामियों के बाद हिम्मत की लहर जैसे, बड़ी बेचैनियों के बाद राहत का पहर जैसे, बड़ी गुमनामियों के बाद शोहरत की मेहर जैसे, सुबह और शाम को साधे हुए एक दोपहर जैसे। बड़ी गुमनामियों के बाद शोहरत की मेहर जैसे, सुबह और शाम को साधे हुए एक दोपहर जैसे,
बड़े उन्वान को बांधे हुए छोटी बहर जैसे। गजल वाले लोग, उर्दू वाले लोग, बड़े उन्वान को बांधे हुए छोटी बहर जैसे, किसी दुल्हन के शर्माते हुए शामो सहर जैसे, किसी दुल्हन के शर्माते हुए शामो सहर जैसे, हथेली पर रची मेहंदी, हथेली पर रची मेहंदी, हथेली पर रची मेहंदी अचानक मुस्कुराई है, मेरी आंखों में आंसू का सितारा जगमगाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन। ये अंधेरा हमारी बदतमीजियों की वजह से सूरज भी हमें नहीं देख पा रहा। हमने जो बोया है हम वो काट रहे हैं, मनुष्य ने जो बोया, आप मेरा मत सोचने कि मैंने जो बोया था वो काट रहे हैं, वो तो काट ही रहे हो तुम दिल्ली वालों। वो तो फरवरी में यूरिया पड़ेगा तभी फसल निपटेगी। मनुष्य ने जो बोया है वो काट रहा है। लोग मुझसे कहते हैं कि सड़क पे कब दिखेंगे, राजनीति कब करेंगे। मैं सदा कहता हूं कि अर्जुन ने हथियार टांगे हैं, चलाना नहीं भूला। शुद्ध कविता सुने, विदुर का भीष्म का पद अश्रु प्रक्षालन नहीं भूला। यह आरोप है ना मंच पर कि कविता नहीं हो रही। मैं कविता पढ़ रहा हूं, आप तालियों से बताना कि विदुर का, बड़ों का, हमारा विदुर रालेगांव में, विदुर का भीष्म का पद अश्रु प्रक्षालन नहीं भूला, कठिन व्रत द्रोण इंगित तपस्थालन नहीं भूला, कठिन व्रत द्रोण इंगित पद तपस्चालन नहीं भूला, कुठिल लाक्षाग्रहों के फेर में तूणीर टांगा है, मगर शर्का प्रखर हतलक्ष संचालन नहीं भूला, मगर कुटिल लाक्षाग्रहों के फेर में तूणीर टांगा है, मगर शर्का प्रखर हतलक्ष संचालन नहीं भूला। एक कविता बिल्कुल विशेष रूप से आज के लिए सुना रहा हूं, निवेदन करता हूं, आप सब सुनिएगा, निवेदन करता हूं, वो सुना दूंगा, बहुत मांगे, मैं कोशिश करूंगा एक आध भर सकूं, निवेदन करता हूं। कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, यह अब हो रहा है, कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, आपका काम वहां है और तालियों की ताल है आखिर में, कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, तीन बार पढ़ दिया है, जब तक नहीं करोगे तब तक, कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, आपकी वहां अच्छी है, टाइमिंग ठीक रखो, टाइमिंग से ही काम बनता है, राज्यसभा के टाइम पे हमारी यही खराब थी। प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए, घर के एहसास जो बाजार बता रहा है हमें चैनल्स पर कि हमारी दिवाली कैसे मननी चाहिए, ये नहीं लिया तो दिवाली नहीं है, ये नहीं लिया तो करवा चौथ नहीं है, जो बीवी से करें प्यार, मतलब हम तुम्हारा कुकर नहीं लाए तो हम प्यार ही नहीं करते हैं, पूछो कितने सारे लोग हैं, सबसे प्यार करते हैं, अपनी तो छोड़ो। ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए, घर के एहसास जो बाजार की शर्तों में ढले, घर के एहसास जो बाजार की शर्तों में ढले, अजनबी लोग जो हमराह बन के साथ चले, अजनबी लोग जो हमराह बन के साथ चले, लबों से आसमां तक सबकी दुआ चुक जाए, लबों से आसमां तक सबकी दुआ चुक जाए, भीड़ का शोर जो कानों के पास रुक जाए, भीड़ का शोर जो कानों के पास रुक जाए, सितम की मारी हुई वक्त की इन आंखों में, सितम की मारी हुई वक्त की इन आंखों में,
नमी हो लाख मगर फिर भी मुस्कुराएंगे, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए। अच्छा, इस संगीत के शोर के बिना आपकी तालियों के शोर में गाता हूं, सुनिएगा। कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन, एक दो तीन हाथ उठाकर, प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए, घर के एहसास जो बाजार की शर्तों में डले, अजनबी लोग जो हम राह बन के साथ चले, लबों से आसमां तक सबकी दुआ चुक जाए, भीड़ का शोर जो कानों के पास रुक जाए, सितम की मारी हुई वक्त की इन आंखों में, नमी हो लाख मगर फिर भी मुस्कुराएंगे, क्या अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे, अंधेरे वक्त आइए अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे। आखिरी बन सुनेगा। लोग कहते रहे, हमसे भी लोग कहते हैं, इसकी सरकार आ गई, उसकी सरकार आ गई। अरे हमारे खानदान के सबसे बड़े बाबा तुलसी के टाइम में तो सबसे जब्बर अकबर की सरकार आई थी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, उनका लिखा हुआ आज भी घर में पूजित हो रहा है, तो इनकी 4-5 साल और 10 साल की सरकारों से हमारा क्या बिगड़ जाएगा, तब कह रहा हूं। इन लोग कहते रहे, लोग कहते रहे इस रात की सुबह ही नहीं, लोग कहते रहे इस रात की सुबह ही नहीं, मजा नहीं आया साथ गाओ, लोग कहते रहे इस रात की सुबह ही नहीं, लोग कहते रहे इस रात की सुबह ही नहीं, कह दे सूरज के रोशनी का तजुर्बा ही नहीं, कह दे सूरज के रोशनी का तजुर्बा ही नहीं, वो लड़ाई को भले आर पार ले जाए, हमको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमको दिखा के डराते हैं भाई, वो एक किम जोन से उसको दिखा के हमें डराते हैं, ये ऐसा कर देगा, अरे हमारे पास कम है क्या अपने। लोग कहते रहे इस रात की सुबह ही नहीं, कह दे सूरज के रोशनी का तजुर्बा ही नहीं, सुनना, वो लड़ाई को भले आर पार ले जाए, वाह करो, को भले आर पार ले जाए, लोहा ले जाए वो लोहे की धार ले जाए, लोहा ले जाए वो लोहे की धार ले जाए, जिसकी चौखट से तराजू तक उन पर गिरवी, जिसकी चौखट से तराजू तक उन पर गिरवी, उस अदालत में हमें बार बार ले जाए, उस अदालत में हमें बार बार ले जाए, हम अगर गुनगुना भी देंगे तो हम अगर गुनगुना भी देंगे तो वो सबके सब हमको कागज पे हरा के भी हार जाएंगे, हमको कागज पे हरा के भी हार जाएंगे, हमको कागज पे हरा के भी हार जाएंगे, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे, अंधेरे वाद डाकर अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे, अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे, प्यार जब जिस्म की एक दो प्यार जब जिस्म की चीखों से दफन हो जाए, कह दे कर जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे के कफन हो जाए, घर के एहसास जो बाजार की शर्तों में ढले,
घर के बाद आस जो बात इधर भी शर्तों में घले अजनबी लोग जो हम राह बन के साथ चले अजनबी लोग जो हम राह बन के साथ चले लबों से आसमां तक सबकी दुआ चुक जाए लबों से आसमां तक सबकी हाथ उठाकर चुक जाए भीड़ का शोर जो कानों के पास रुक जाए भीड़ का शोर जो कानों के पास रुक जाए सितम की मारी हुई हम आप सितम की मारी हुई वक्त की इन आंखों में उजाला आ गया है सितम की मारी हुई वक्त की इन आंखों में नमी ओ लाख मगर फिर भी मुस्कुराएंगे अंधेरे वक्त में भी जीतेगा हाथ उठाकर अंधेरे वक्त में